मेरा ध्यान अभी गया, पूरा वीडियो में आ रहा है। मगर सही है, अमेरिकाना कंपनी अच्छी है भाई। अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा जितनी जानकारी मेरे को मिल सकी है मैं वो बताने जा रहा हूँ। भैया जी, धूप एकदम मस्त वाली निकली है काफी टाइम के बाद में, क्योंकि अब तक वेदर एकदम कोल्ड कोल्ड हो रखा था। तो अभी बज रहे हैं 1, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि थोड़ी ठंडी है, मगर जो धूप लग रही है ना एकदम मस्त वाली लग रही है। ऐसा चटक 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 लग रहा है। बाकी सब तो मेरे लाइफ में बढ़िया चल रहा है, आपकी लाइफ में बताओ क्या चल रहा है यार? चाहे जो भी हो जाए, बस अब ऐसा ना करके दिखाना है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में बन के दिखाना है। मैं तो बहुत कुछ है यार बताने के लिए आपके साथ में, बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ एडसेंस के बारे में, गूगल पिन के बारे में, बहुत कुछ। तो इंतज़ार करिए, सब बताऊँगा मैं। तो देखो भैया, अभी हमारा ब्रेक हो चुका है, मगर ज़िंदगी कैसी है, सुबह 6 बजे उठा और शाम के 5 बजे खाना खा रहा हूँ। तो ये लाइफ होती है, खाने का ठिकाना नहीं, उसके लिए पेट वगैरह सब आगे आ जा रहा है अनहेल्दी फूड की वजह से। अब क्या ही कहे यार, रूटीन कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में आएंगे, आपको कब छुट्टी मिलेगी, कब ब्रेक पे जाओगे, कब घर पे जाओगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये सारे स्ट्रगल आप लोगों को करने पड़ेंगे। चलो जब तक जा रहा हूँ मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मेरे को शेयर करनी है। तो अभी टाइम है अंदर जाने का। अगर राजमा की मेरी सब्जी एक नंबर बनी थी, राजमा सब्जी एक नंबर। आज बस जल्दी आ गई है और मेरे पीछे अभी मैनेजर आएगा, आता ही होगा। तो चलो जल्दी बस में बैठते हैं, तो इंजॉय करेंगे अपनी बस की राइड को। और मैं जा रहा हूँ ब्लैक पैंथर देखने के लिए, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी ब्लैक पैंथर देखते हैं अभी, क्योंकि बस लगेगा 40 मिनट अराउंड घर पहुँचने के लिए। तो बाय, सी यू एट द होम। तो भैया ये सीन ऐसा कुछ है, जस्ट अभी आया हूँ मैं काम पर से और अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा डेली काम पर से आने के बाद में नहाता हूँ, तो अपने बिस्तर पे पड़ गया हूँ। तो अब जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहा के आप लोग से मिलता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हो, हमारे दिल की धड़कन हो और आप लोगों से बात करना ज़रूरी बनता है। जो भी थॉट्स आएगा, जो कुछ भी कमेंट्स आया रहेगा, कुछ एक दो कमेंट्स को पिक करके बात करूँगा एंड जो भी है आप लोगों से बताऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल तो नहाने के लिए, थकान को दूर कर दिया। मेरे को पराठा भी लाने जाना है। देख रहे हो यार, ये लाइफ होती है। मेरे को मन नहीं कर रहा है किचन में घुस के खाना बनाऊं। मेरी थोड़ी भाजी रखी हुई है और थोड़ा दाल रखा हुआ है, भाई ने दाल बनाया था। तो दाल भाजी और हो जाएगा मेरा काम। और देखो हैदराबाद कॉमेडी देख रहा हो भाई, अपना कॉमेडी देख रहा है और फुल हंस रहा है, फुल जोश के साथ में। आपको दिखाता हूँ, देखो हंस रहा है, फुल हंस रहा है, हंस रहा है। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ फ्रेश हो के, फिर आपसे मिलता हूँ। क्या हो गया भाई? देखो कॉमेडी सीन के फुल मजे ले रहा है। चलो ठीक है, बाय। भैया आपका भाई जा रहा है अभी पराठे लाने के लिए, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं है, भाजी वगैरह सब रखी हुई है। तो सीन कुछ ऐसा है कि सुबह बनाएंगे अंडा भुर्जी, मगर अभी है ना पराठे और सब्जी और दाल, काम हो जाएगा भारी। तो ले भारी, आपको एक बता दूं, मेरा एक दोस्त था जो आया था कुवैत में मेरे से 10 दिन पहले, और भाई वो कल बीच पे गया था। मैंने उसको बोला भाई तेरे को टाइम कैसे मिल गया? तो बोलता है यार 3 महीना हो गए छुट्टी मांगते मांगते, मगर बिजी, इतनी नींद नहीं पूरी होती थी। तो फाइनली जाके पूरी फिलीपीन लड़की उड़की सब लोग मिल के गए थे बीच पे। तो वो लोग बीच पे गए और बहुत सारा इंजॉयमेंट किया। बोला यार अपन भी जाएंगे, टेंशन नहीं है, रुको शेविंग वेविंग कर ले, एकदम चिकना दिख रहा है ना, क्या ही करे यार, चिकना है तो है। अरे मेरा मोबाइल का कैमरा बहुत लो हो रहा है, क्योंकि फ्रंट कैमरे का स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है यार। जस्ट एक डिलीवरी ड्राइवर अभी अपने घर पे आया, मतलब वो जा रहा है घर पे, दिखा रहा हूँ। थैंक्स। चलो भाई आ गया ये डिलीवरी ड्राइवर, वो जा रहा है, दिख रहा है ना आपको डिलीवरी ड्राइवर, वो कितना घंटे की ड्यूटी करने के बाद जा रहा। तो भैया हमारे बॉडी में अभी बचा हुआ है 80%
मतलब सॉरी तो भैया हमारे बॉडी में अभी है ना 80% एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब बची हुई है 20। क्यों भाग रहा है भाई, क्यों थक रहा है, जॉगिंग करने का मूड है कर ले। ओके तो 20% बची हुई है, अब इसको जाके खाएंगे, थोड़ा रिफिल करेंगे और अपनी बुक लिखेंगे और अपना ये शूट एडिट करेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, आप लोग बोलते हैं ना बाहर जाओ, बाहर जाके कुछ दिखा। अरे जाने का मौका तो मिलना चाहिए, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ और मैं आपको कैसे ही बताऊँ यार। चलो बाकी की बातें घर पे करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको है ना बोरियत फील होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई बोरियत फील कराऊँ। मैं तो ठहरा, देखो भाई मेरी मोबाइल टूट गई थी, अभी मेरी वीडियो में लैग आ रहा है, अभी कैसे इसको ठीक करना है वो समझा नहीं जा रहा है। तो जस्ट मम्मा से बात करा, मम्मा ने बोला कि यार नया मोबाइल ले लेना यार, कितना रगड़ेगा, और मेरे को अप्रूव मिल गया है। मतलब मेरे को ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि नहीं लूँगा तो मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, और ले लूँगा तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है दिमाग में, बट मैं सोचता हूँ यार रगड़ लूँ थोड़ा और रगड़ लूँ, बट कोई नहीं अब ले ही लेता हूँ यार मोबाइल। तो भी तुम्हारे भाई का प्लानिंग फिक्स हो गया, मोबाइल जल्दी ही आ जाएगा, और कब आएगा उसकी नई वीडियो बन जाएगी, तो वेट करना। चलो अभी चलते हैं घर पे, अपना ये खाना ख़त्म करते हैं और सोते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है, एडिटिंग करना है और बहुत सारा काम है। मैं आपको एक चीज़ से और इंतज़ार करना चाहता हूँ यार, यहाँ पे आओगे ना तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना और ना ही किसी दारू शराब के चक्कर में पड़ना। अगर पकड़े जाते हो तो ज़िंदगी ख़राब हो, देखो पुलिस घूम रही थी कहीं अभी, तो पकड़े आते तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी यार, वापस भेज देंगे। अपन कमाने आए तो चुपचाप कमाते हैं ना, अपने घर पे अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, उनका इंतज़ार करेंगे। तो टैक्सी वाले भाई साहब क्यों रोक दिए, मेरे को तो जाना है वो साइड में क्या। तो भैया पराठे लेके हम अपनी मंजिल पे तो पहुँच ही गए हैं, हमारी मंजिल आ गई है। आपको दिखाऊंगा मेरा मोबाइल किस तरह से टूटा और कैसे टूटा, आपको बताता हूँ। चलो तो हम सीढ़ी से चलेंगे, तो आपको बताऊंगा कैसे टूटा। चल सीढ़ी से चढ़ जा। तो मेरा मोबाइल यहाँ पे आके गिरा और उतनी ऊपर से फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ से सीधा आके यहाँ पे नीचे गिरा ताट से जमीन पे पटाक करके। अच्छा हुआ ऐसी जगह के कोने पे नहीं गिरा, नहीं तो फिर लग जाती लंका। तो हमें कोई भी गार्बेज फेंकना होता है तो इसके अंदर फेंकते हैं, और सीधा मैं दरवाज़ा खोल रहा था, ये दरवाजा ऐसा खोला, ऐसे कंधे से खोले, तो मैं ऐसे कंधे से खोल रहा था, कंधे से ऐसा खोला और मोबाइल छूटा सीधा अंदर, यहाँ पे गिरा, गिर के एक टप दो टप्पा और सीधा यहाँ से सीधा नीचे टक करके आवाज आया और मेरी जान निकल गई थी 2 मिनट के लिए। अब मेरा क्या हो, घर पे आ गया और मैंने भाजी निकाल ली, ये भाजी मेरी सुकून मिल रहा है, थोड़ा बैठेगा 5 मिनट आराम बहुत अच्छी लाइफ है। मेरी नसीब इतनी अच्छी है कि मेरे पास में कैमरा है, मैं अपनी सारी जर्नी को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फिर बाद में कुछ टाइम जब यहाँ से जाऊँगा ना देखूँगा कि मैं क्या क्या हरकतें करता था, बाप रे कितना मज़ा आएगा ना और कितना अच्छा लगेगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो चलो अभी जाते हैं खाना को गर्म करते हैं, खाने के बाद में आपसे कुछ कुवैत के बारे में बात करना है, फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय। तो भैया चेहरे की स्माइल देख लो, क्योंकि आपके फायदे की बात होने वाली है। अल्लाह मैं बैठ गया तो थोड़ा हम्बल भी फील करूंगा और आपके साथ में बातें भी अच्छी से हो जाएंगी। तो बैठने के लिए थोड़ा सा कैमरा भैया नीचे आ जाओ, ये क्या कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए क्या, हाँ ओके। अरे लाइटिंग की क्या हो रहा है, दिमाग का दही कर रहा है, ओके अभी ठीक है, ओके तो ऑल राइट, समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। मैं थोड़ा सा जितनी जानकारी मेरे को मिल सकी है मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग भी अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी में आ रहे हैं, तो बेसिकली क्या क्राइटेरिया है, कितने साल की एज होनी चाहिए, और आज से ठीक एक महीने पहले मैंने अपने सब्सक्राइबर से बात किया जो अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी में आया है, उसका काम क्या होता है, उसको कैसे काम करने पड़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं बता देता हूँ यार, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लंबी बन चुकी है, एंड आई होप सो कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी इज़ लाइक अमेरिकन फ्रेंचाइजी कंपनी है, और ये ना ये बंदों को काम करवाती है, जैसे कि इंटरनेशनल ब्रांड हो गए, इंटरनेशनल ब्रांड हाँ क्या KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है। तो कुवैत में फ़िलहाल तो अमेरिकाना कंपनी, मतलब मैं तो बर्गर किंग में ही काम कर रहा हूँ राइट, तो अमेरिकाना कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं काउट फूड ग्रुप से हूँ जो कि अल हमाजी
अल हमाजी कंपनी ने हाय मतलब उनका रेखा जोखा उनके अंडर में होता है। बट हाँ, अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी में यहाँ पर मैकडोनल्ड्स या फिर KFC या फिर हार्दीस, ये लोगों को है ना मीट, जो चिकन वगैरह, चिकन फिश बीफ ये सब प्रोवाइड करवाती है, मतलब फ्रोजन प्रोडक्ट उनको है ना पहुंचाती है उनके स्टोर तक। एक्चुअली बेसिकली इनका जो गोडाउन है बहुत बड़ा गोडाउन है भाई, अंडर चिलर फ्रीजर ये सब होता है। अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब ऐसे बंदों को हायर करती है जिनकी एज 21 ईयर एज से लेकर ओके 28 ईयर और 30 ईयर्स तक के लोगों को हायर करती है। उनका काम होता है गुड्स को पहुंचाना, मतलब जो QSR फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है वहां पर। तो आपको बेसिकली क्या काम है कि जो मतलब पहली बात तो ये जान लो कि आपको मेंटली फिट होके आना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। मेंटली फिट इसलिए होना है क्योंकि आपको इनसाइड चिलर और फ्रीजर के अंदर काम करना पड़ सकता है। और हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसे नहीं भेज देंगे आपको, PPE दिया जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि रबर ग्लव्स, जॉकेट, सब कुछ मिलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं, आपका सेहत का आपका ख्याल रखा जाएगा ओके। और आपको फ्रोजन, आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मुश्किल है, मगर आपको नॉन वेजिटेरियन है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेजिटेरियन है आपको कोई भी मुश्किल नहीं है यार, आपको खाना थोड़ी है, आपको जस्ट प्रोडक्ट उठाकर उस स्टोर तक पहुंचाना है। उसके लिए ट्रैवलिंग की, हाउस, सब कुछ सुविधा दी हुई है। और हाँ, बेसिकली आपका बेनिफिट ये है कि आपको 120 KD सैलरी मिलेगा ओके। और आपको जो कंपनी कुवैत के लेबर लोगों के हिसाब से आपको मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस आपका जो भी बनता है वो लेबर लो के हिसाब से मिलेगा ओके, कुवैत के। बट ये ध्यान में रखना कि यार आते समय पहले आपका मेडिकल ये सब होगा, ये सब चेकअप वेकअप होने के बाद में ही आप ज्वाइन करोगे। और ओवर टाइम डिपेंड्स करेगा कि कंपनी को रिक्वायर्ड बंदों की ज़रूरत है क्या। मतलब समझ लो, मेरे को अभी, मैं जैसे आ जाता हूँ 12 घंटे करने के बाद, मगर मेरे साथ वाले वो लोग 13 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका उनको उस समय उनकी नीड है। मेरी नीड क्या होता है, मैं मॉर्निंग का शिफ्ट करके मैं 8 बजे निकल जाता हूँ, और जो 11 बजे आता है वो 12 बजे जाता है, समझ रहे हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर रहा है, क्योंकि बस लेट हो सकती है XYZ रीजन की वजह से, बस लेट हो सकती है या समय उस समय बिजी हो जाता है तो रोक लिया जाता है। ऐसा मेरे को भी कभी रोक लिया जाएगा, कोई बात नहीं, मगर आपको बता दूं कि अमेरिकाना कंपनी ठीक है, आ जाओ, अच्छी कंपनी है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये दुबई में भी है, सऊदी में भी है, कतार में भी है, और यहाँ पर भी है। बेसिकली ये मिडल ईस्ट में इनका काम होता है कि फ्रोजन प्रोडक्ट को यहाँ पर पहुँचाना। और मेरे को जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और समझ रहे हो, सैलरी वगैरह ऑन टाइम है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ओवर टाइम डिपेंड्स करता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक काम, मेंटली फिट और प्रिपेयर होके आना, क्योंकि आपको कभी नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है तो कभी डे शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो 24 आवर ओपन होते हैं। एग्जाम्पल फॉर मेरा बर्गर किंग, मेरे बाप ने खरीदा क्या नहीं, हमारा बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट्स ये सब है ना डे नाइट ओपन होते हैं। तो जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, हार्दिस हो गया, KFC हो गया, ये लोग भी डे नाइट ओपन होते हैं। तो काम करने का मौका मिल रहा है तो आइए, पैसे कमाइए, पैसे कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए, खुद भी हेल्थी बने रहना यार, क्योंकि पैसा रहेगा तो लोग पूछेंगे कि कैसा है, पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं पूछने आता। और हाँ, इससे इस बात का उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तू सही से है कि नहीं है। अरे देखो ये सब देखो, तामझाम तुम्हारे भाई ने पूरा गृहस्थी लगा के रखा है, मेरा दिमाग, मेरा ध्यान अभी गया, पूरा वीडियो में आ रहा है मगर सही है, अमेरिकाना कंपनी अच्छी है भाई, लोग आओ आओ। मैं अपने सब्सक्राइबर को फ़ोन भी किया हूँ, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, खुद भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, बाय बाय। अमेरिकाना कंपनी की आई होप से जानकारी मिल गई होगी। बस अब जाते हैं खाना खाने, भूख लगी है, वीडियो भी एडिट करना है, पराठे मेरे ठंडे हो गए यार आपसे बात करने के लिए। चलो ओके, बाय।